रात का टाइम है तो स्विमिंग पूल पे ये यंग लड़के आए हुए हैं एंजॉयमेंट करने के लिए। तो ये लोग अपना मतलब रात को गांव में भी स्विमिंग पूल बने हुए हैं तो अपना एंजॉयमेंट करने के लिए वहाँ निकली हुई है। तो ये देखें, आपको तैरना वगैरह आता है तो छलांग मार के चेक करवाए, अपनी अपने कर्तव्य चेक करवाए। ये छलांगे मार रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, रात का टाइम है गांव में माला वाला से 4 किलोमीटर के फासले पे, तो इस टाइम एंजॉयमेंट हो रही है फुल टाइम। तो नाजरीन ये मामू ने छलांग मार दी है तो मामू डूबने वाले हैं, तो अभी ये भाई बचा ये तो भाई ये अच्छा। तो गाइस ये लड़के एंजॉय कर रहे हैं, बीच में एक मामू थे वो डूब गए हैं, तो लड़के उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तो भाई आप मामू को बचा लोगे? अच्छा, तो उम्मीद है कि मामू इंशाल्लाह बच जाएंगे जिंदा। तो ये निकल आए हैं तो तो नाजरीन ये मामू बाहर आ गए बच के, तो ये लड़के इस टाइम एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो कैसा कैसा फील हो रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का व्लॉग शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको स्विमिंग पूल पे। इस टाइम बहुत ज़्यादा रश है और स्विमिंग पूल का ठंडा पानी और बिल्कुल ये ग्रीनरी सा है, ये देखें। तो आप भी ये मानावाला से जो लोकेशन आ रही है, मानावाला से 4 किलोमीटर के फासले पे फैसलाबाद जीटी रोड के पे ये स्विमिंग पूल है। और इस टाइम जो रात का टाइम है, रात के टाइम पे भी गांव में लोग जो है ना एंजॉयमेंट करने के लिए आए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा इधर है। और इधर ये दरख्त वगैरह लगे हुए हैं तो दरख्तों में लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और इस टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा रश है, और आप भी आइए और इधर स्विमिंग पूल का मज़ा लीजिए। तो मैं आपको बताता चाहूँ कि इसकी जो इधर रेस्टोरेंट है, खाने पीने की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और ये मानावाला से 4 किलोमीटर के फासले पे फैसलाबाद जीटी रोड पे ये इसकी जो है लोकेशन आ रही है।